यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ओर जहां सपा है जो लगातार हमलावर है, वहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा, आम आदमी पार्टी और खुद बीजेपी के कुछ सहयोगी दल पार्टी के मिशन रिपीट की राह में चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अब काशीराम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले 15 अगस्त से देश भर में बीजेपी हटाओ देश बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर चुकी हैं। खास बात यह है कि पूरे देश में इस अभियान के बाद इसका समापन यूपी की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने बताया कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से और 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने और संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, प्रदेश भर में चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार के मामले बढ़े हैं। प्रदेश के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण कोरोना की महामारी से लाखों लोग मौत के शिकार हुए। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने नया कृषि कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण विरोधी है। बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने की लगातार साजिश कर रही है और बहुजन समाज को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है।